प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले जैन रिएक्शंस के पूरे परिवार को और हर एक भारतवासी को नए साल की शुभकामनाएं। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी से जैसे 100 रुपए लेता है, फिर अगले को कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, फिर अगले से 200 लेके उसको 210 के, इस तरह से करते। बड़े मजे का बताया कि हम लोन लेते कैसे। तो वो वाकई में बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं। और हमें, हम लोगों को कुछ सीख क्यों नहीं जाते हैं? हमें एक मतलब एक दूसरी कंट्री के लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं देखें, दूसरे ममालिक क्या करते हैं। अब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, आप वो आप उसका उसकी प्राइस देते हैं, वो आपको कहता है हाँ भी इतने पैसे ले लो, क्योंकि आप तो वो पीनट्स में दे देते हैं ना मुल्क, तो आप पीनट्स में, और जो पीनट्स भी क्या है, वह $3 बिलियन में आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। हाँ, 3 बिलियन में क्या है, उसमें 50 से 100 लोगों के घर बने होंगे टोरंटो में, दुबई में बन गए होंगे 50 घर, 100 इधर टोरंटो में, 50 लंदन में, तो इतने यही तो आपकी प्राइस है, इससे बड़ी आपकी प्राइस ही नहीं है। नीचे आज मैं मुझे एक मैं छोटी सी बात पूछ चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से PTI के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने अप्लाई किया है, जमा कागजात नामजदगी जमा कराया, उसमें दो होता है, एक तस्दीक कुनंदा जिसने तस्दीक करते हैं, एक दूसरा जिसने वो नीचे उसको फॉलो करना होता है। कहते हैं जिन्होंने दरखास्त दी है उनको तो उन्होंने वहीं से पकड़ दिया था, जो नीचे तस्दीक जिन्होंने की उनको भी उठा लिया गया। लेकिन आरजू मैं ये पूछा, ठीक है, मैं इसके हक में मैं बिल्कुल कहता हूं ठीक है, पकड़े इनको ये बिल्कुल ठीक, करप्शन करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते यार, जो खुली थाने मार्केटें लगी पड़ी करप्शन की, ओपन मांग रहे हैं पैसे, ओपन, बल्कि वीडियो बनी पड़ी होती है, कई वीडियो रोजाना आती है, खुल के बेहयाई के साथ पैसे मांग रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ते भैया? सर, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इनकी इनकी औकात है, इनके हाथ में मतलब पावर है कि ये ऐसा कर सके जो ये दावे कर रहे हैं? पावर क्या करनी है, तो सियासी बयान है, जितनी लूटमार सिंध के अंदर है आरजू आपको पता ही है सारा कुछ, इसमें ढकी छुपी कौन सी, वो हमारे क्रिकेटर भाई जो चले थे कराची से बाई रोड मुल्तान आने के लिए, उनकी वीडियो बड़ी वायरल थी, उन्होंने कहा हर 50 मील के बाद एक लुटेरे खड़े होते थे, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, और पता उनको सब पता है। वो नहीं आरजू, ये सियासी बयान है, मैं वो, अच्छा आप कह रहे हैं कि उनको बिजली देंगे फ्री, बिजली तो आपके तरीके इस्तकाम वाले भी दे रहे हैं फ्री, किसी इलेक्शन के बाद किसी ने बात सुनी कभी? ये आई गई बात है, ये तो सिर्फ लाउड स्पीकर में बात करते हुए अच्छे लगते हैं, उसके बाद ना ये जाने ना वो जाने, किसी को क्या पता कौन सा वादा किया था किसको नहीं। कौम बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी, आपको इतला नर्ज करना चाहता हूं, कल परसों में चीजें पढ़ रहा था, आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहली, और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे वो 30% है, आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। आज दो चीजों के लिए तड़प रहे, मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा कि मैं सिर्फ बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि यह जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम तेल वेनेजुएला से ले लें, ठीक हो गया, क्यों ले लेंगे, उन्हें खतरा था कि हमारी आवाम को तेल महंगा ना मिले, हमारे हमारी प्राइस से चीजें ना बढ़े। जब भी कहते हैं कहीं इन्फ्लेशन आता है चीजें, फूड और फ्यूल ये दो चीजें जब इसकी इंटरप्शन इसकी इसमें आती है सप्लाई चेन में, तो ये सबसे पहले ये चीजें बढ़ती। अगले दिन में खासकर वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने जब एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ है
और उन्होंने कहा हम समुद्रों के नीचे से पकड़ के उन लोगों को ले आएंगे, और तीसरा जहाज भी उन्होंने भेज दिया, कोची और कलकत्ता तो पहले ही थे वहां पे। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए उन्हें अपने सप्लाई चेन और जहाजों का कितना फिक्र है। कभी हमारे में सुना आपने किसी ने बात? आगे सुने, यहां मैं जहां बैठा हूं यहां से थोड़ी दूर अर्जेंटीना में और यहां के कई ममालिक के अंदर लिथियम के वो अपनी काने बना रहे हैं, भारत ले रहा है। वजह यह है कि इस वक्त वो लिथियम चाइना से ले रहे हैं। लिथियम से क्या बनता है? लैपटॉप बनता है, फोन बनते हैं, गाड़ियों की बैटरियां बनती हैं। कभी आपके मुल्क ने भी कुछ सोचा है कि हम कहां जा रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट करें, क्या करेंगे? कॉम को इन्फ्लेट, कॉम को सर ये कहते हैं बिजली नहीं है तो इसलिए फैक्ट्रीज नहीं चलती, तो हम काम कैसे करें? बिजली फिर बिजली इनके बाप ने बनानी है, बिजली इन्होंने बनानी है ना भाई, किसने बनानी है? इन्होंने बनानी है ना बिजली को, बाहर जर्मन तो नहीं आगे वहां बनाएंगे। इनके लंदन के वो प्लाट अपने प्रॉपर्टी के कम हो तो वहां कुछ हो, ये तो। लेकिन दुख वाली बात है, अब तो वर्ल्ड बैंक के कंट्री ने भी कह दिया, हेड ने भी, आपके हालात खराब हैं, आप बड़ी जल्दी मुंह के बल गिरोगे बस। लेकिन देखें अफसोस के साथ वो अभी तक कोई पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। आपके मैं अफसोस के साथ है कि 23 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है, सारे लंदन वासी। मुझे अगले दिन किसी ने बताया पाकिस्तान से एक बच्चा आया, उसने कहा जी अंकल मैं वहां गया, वहां तो सुना सुना लग रहा था जवान लोग तो सारे भाग चुके हैं पाकिस्तान से। मैंने कहा अच्छा, कहते सारे भाग चुके, पढ़े लिखे सारे भाग चुके, जो आवारा इधर उधर के लौंडे लपाड़े थे वो फिर रहे हैं बस वहां पे, जो पढ़े लिखे जितने मेरे साथ के, वो लड़का खुद स्टूडेंट है यहाँ पे। उसने कहा जी मैं वहां गया हूँ, बिल्कुल लाहौर खाली पड़ा लग रहा था क्योंकि सारे पढ़े लिखे लड़के तो भाग गए सारे। और यही आप चाहते हैं कि ये बच्चे लौंडे लपाड़े बाहर आए, डॉलर और पाउंड कमा के भेजें, फिर वो आप पैसे लेकर अपने लौंडे लपाड़े आवारा बच्चे आप उनको भेजें लंदन में। ये गेम चल रही है, पांसी स्कीम है। अब मेरे जैसा बंदा, मैंने जिस तरह बताया, मैं IMF पे केस करूंगा अगर टाइम मिला तो, IMF के केस करूंगा, वर्ल्ड बैंक के केस पे केस करूंगा कि मैं अमेरिकन हूं, मेरा खून पसीना इन इन करप्ट लोगों को क्यों देते रहे हो भाई, क्यों देते रहे, मजाक करते रहे, पांसी स्कीम क्यों चला रखी तुम। आगे इसी पे मैं बात करना चाहूंगा। आज मैंने जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं एक चीज खासकर 2024 आने वाला है आगे, उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज इकोनॉमिस्ट में छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि पांच स्टोरीज कह लेंगे, पांच एक्शन जो है 2024 में आने वाले, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जिस बड़ा इंस्पायर्ड, बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी फोरकास्ट से। एक तो उन्होंने कहा जी कि 2024 में कई मुल्कों के अंदर, इंपॉर्टेंट मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया वो, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन थोड़ी होता, वहां तो सिलेक्शन होती है, लेकिन उन्होंने नाम लिया अमेरिका में। उन्होंने कहा जी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, सबसे छोटी डेमोक्रेसी ताइवान, ये उन्होंने नाम लिए। और भी कई ममालिक में थे, बड़ी अच्छी खबर थी उसकी, ये भी एक आया। दूसरी खबर क्या थी, उन्होंने कहा कि ड्रोन की टैक्सीज चलेंगी 2024 में। एक वॉलोकॉप्टर एक कंपनी है, उनका वॉलो सिटी वॉलोकॉप्टर है, वो टैक्सी चलाएंगे 110 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से उनकी टैक्सियां उड़े करेंगी। और एक कंपनी है पिवटल उसका नाम है, उन्होंने कहा जी हम फ्लाइंग गाड़ियां बेचेंगे 2024 में, हर गाड़ी की कीमत $1,90,000 होगी। ये बहुत बड़ी खबर 2024 में आ रही है। बल्कि यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आजकल हमारे रिमोट डिलीवरियां कर रहे हैं कई शहरों में, ड्राइवरलेस, छोटे से होते हैं साइड वॉक पे चल के डिलीवर कर रहे होते हैं। कई जगहों पे गाड़ियां भी चल रही हैं ड्राइवरलेस, जो टैक्सियां जो है इन्होंने मॉडल टेस्ला नहीं शुरू किया। अगली खबर उन्होंने कहा जी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके रूल्स जो है वो वाजे किए जाएंगे 2024 में। इसके कई खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, UK के अंदर भी इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर इसका वो अरिथमेटिक क्या बनाते हैं तो हॉलैंड के अंदर, बल्कि इसके एक गवर्नमेंट हिल गई सारी, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया कि बच्चों के बेनिफिट कौन कौन ले रहे हैं और उनको उन्होंने निशाना बनाया। और दूसरा मैं सबसे बड़ी यहां बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो गाजा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट बना के बम किए जा रहे हैं, रोज का 300 टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है उनके, और उसका नाम है प्रोग्राम का द गॉस्पल, जो प्रोग्राम बन रहा है जिसके जरिए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेट बनाता है इसराइल के अंदर। और इसका सबसे बड़ी बात देखें, जाहिर अभी जूश है, देखें वो बिजनेस का भी सोच के करेंगे, और ये आगे बेचेंगे वो जिस तरह पेगासस बेचा था, हो सकता है पाकिस्तानी ले लें, क्या पता, आपको भी तो ऐसी चीजों की जरूरत ही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखें PTI वाले कहां छुपे बैठे हैं भाई,
ये भी तो हो सकता है। उन्होंने तो पूरा जलसा करा दिया था ट्विटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके। बल्कि मैं आरजू किसी वक्त प्रोग्राम करूंगा, मैंने उस पूरे आर्टिकल बड़े तफसील से पढ़ा है उसको, मैं बताऊंगा बल्कि कि वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस वक्त गाजा में वो क्या कर रहे हैं। इस बहुत दिलचस्प स्टोरी, बहुत दिलचस्प। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे चलेगी, ये तीसरी खबर थी। चौथी खबर ये थी कि माहौलियात एनवायरमेंट को, इसको वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री जो है उसकी क्लीन अप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और खासकर तवज्जो देंगे कि जो चीजें इस वक्त आपको देखा होगा ज्यादातर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चीजें पैक करके तो डिलीवरी हो रही है, तो उसकी स्मार्ट पैकिंग की जाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी और खासकर जो ये फॉसिल फ्यूल है उससे कोशिश की जाएगी 2024 में कि काफी हद तक इसको रिड्यूस किया जाए। जो सबसे इंटरेस्टिंग अगली खबर मैं बताना चाहूंगा आपको 2024 में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन करेंगे। ब्रिक्स की एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उनका जीडीपी का जो परसेंटेज है 63% है और वो G7 से ज्यादा है, G7 का 52%। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा ब्रिक्स में या तो ब्रिक्स के दिन बुरे आ गए हैं क्योंकि सुना है पाकिस्तान को भी उसमें लिया जा रहा है, रशिया सुना है उसका भी कर रहा है, लेकिन हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब वहां गए हैं, मेरे ख्याल में गारंटी करता हूं उनकी लिस्ट में शामिल होगा, भाई ये फ्रॉडी है इनसे बचना ही। लेकिन ये तो चलो सर जाने तो रौनक रहेगी जब इंडिया इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होंगे ब्रिक्स में। जोक असाइड उसमें उन्होंने मैं ये बता, ये मुझे बावसूख राय से पता है कि भारत हैज रिजर्वेशन कि ये पाकिस्तान का नाम जो है रशिया क्यों लेके आ रहा है। अच्छा उसमें जो और उसमें एक और भी बात आगे आएगी क्योंकि ये पुरानी बात थोड़ी सी हो गई है, अभी रिसेंटली भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले हुए हैं तो हम जंप मार के आगे आ गए हैं पैसे मांगने के लिए, और हमारे जो आर्मी चीफ सब 2 हफ्ते यहां रह के गए हैं अमेरिका में, तो अब शायद ब्रिक्स वाले रशिया वाले दोबारा नाम न ले, ये भी पॉसिबिलिटी। ये पुरानी खबर है जो रशिया इंटरेस्टेड था कि इसको पाकिस्तान को डाला जाए, लेकिन उन्होंने पहले उसमें कई ममालिक को साउथ अफ्रीकन यूनियन को दे दी थी, यूएई को मेंबरशिप दी गई है, इजिप्ट को दी गई है, इस तरह में कई ममालिक को दी गई। जो इंटरेस्टिंग बात है जो इससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा वो किसको होगा, अमेरिका को। बल्कि जो इस वक्त नया अलायंस रशिया और चाइना का बना है वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन के जरिए अमेरिका की फॉरन पॉलिसी का वो पचड़ा करना चाहते हैं, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और जो वेस्टर्न सिस्टम है IMF का, अमेरिकन सिस्टम, सबसे बड़ा धजका उसको लगेगा, IMF को धचका लगेगा क्योंकि वो अपना बैंकिंग सिस्टम भी खुद ही बनाना चाहते हैं ब्रिक्स वाले। लेकिन आखिर की बात ये करना चाहूंगा कि अमेरिका के हालात खराब हैं, यूक्रेन की बातें टर्की में हो रही हैं और गाजा की बातें कतर में हो रही है, वॉशिंगटन DC में नहीं हो रही जो पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी। तो ये हालात है इस वक्त, ये 2024 में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग। बिल्कुल, लेकिन सारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है 2024 में, लेकिन पाकिस्तान वही है, वही हालत है। और यही सोचा जा रहा है कि अगली कंट्री कौन सी है जिससे हमने पैसा मांगना है, इसके अलावा कुछ कोई प्लानिंग नहीं हो रही। फॉरेन ऑफिस हो चाहे हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, वो सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब वो किसी जगह से पैसा ले आए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने सबसे पहले बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और दूसरी ओर आपने देखा कि वीडियो स्टार्ट होते ही आरजू काजमी जी ने मेजर गौरव आर्या जी को याद किया, क्योंकि जब मेजर गौरव आर्या जी पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं तो उससे मजेदार चीज कुछ भी नहीं होती। और आपने देखा कि साजिद तारा साहब ने बात की, प्रेडिक्शंस की कि 2024 में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी को लेके, और आप देखेंगे कि भारत में भी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा हलचल रहेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।